जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे कि 109 व्यूज है, 109 व्यूज है, और गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर 109 व्यूज मिलेंगे। और 109 व्यूज के बाद अगर मैं आपको इसका वॉच टाइम देखूँ, वॉच टाइम आपको मिलेगा 11 घंटे का। आपको 109 व्यूज में और 11 घंटे का वॉच टाइम, अगर एंगेजमेंट पर क्लिक कर दो 6.003 सेकंड, इस प्रकार से हमका एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, यानी कि 6 मिनट तक लोगों ने हमारी वीडियो को देखा है। अब 7 मिनट की वीडियो 6 मिनट तक देख लिया, ऐसा होता नहीं। बस इसमें ट्रिक का यूज किया, कैसे यूज किया वो गाइस डिटेल में बात करेंगे। और गाइस आपको पता है YouTube पर जब भी हम एक नया चैनल खोलते हैं, YouTube हमको दो माइलस्टोन देता है, पहला एक जैसा सब्सक्राइबर का, दूसरा 4000 घंटे का वॉच टाइम का। अब दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें अगर हमारी कंप्लीट हो जाएंगी 12 मंथ के अंदर अंदर, तभी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो भाई लोग क्या है कि सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रेंड के पास कह दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड के फ्रेंड से कह दिया चैनल को सब्सक्राइब करा लिया, या कोई भी ट्रिक लगा ली जिससे सब्सक्राइबर बढ़ गए। अब एक है तो सब्सक्राइबर कोई काउंटिंग ज्यादा नहीं होती, लेकिन 4000 घंटे के वॉच टाइम की काउंटिंग ज्यादा होती है। तो सब्सक्राइबर तो पहले से कंप्लीट हो जाते हैं, 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बात आती है वॉच टाइम की। तो यार अक्सर लोग कहते हैं कि यार वॉच टाइम के लिए कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं कुछ परसेंट वॉच टाइम कंप्लीट होता है, तो रहा नहीं जाता कि यार किसी प्रकार से वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और अभी के टाइम पर आपको पता है कि वॉच टाइम हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन गाइस खरीदने के लिए हमको पैसे देने होंगे। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है और खुद भी कंप्लीट कर सकते, वो गाइस होना चाहिए पीसी या लैपटॉप उस ट्रिक से, यानी कि लैपटॉप या पीसी ट्रिक से अगर हम कंप्लीट करना चाहेंगे तो लैपटॉप और पीसी चाहिए होगा, या फिर हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब दो में से कोई भी चीज नहीं तो हम वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यार यहाँ पर बात आ जाती है कि हमारे पास एक ही फोन है जिसमें मैं वीडियो को बनाता हूँ, या हमारे पास दो फोन है, हमारे पास सिर्फ फोन ही फोन है, तो कैसे हम कैसे वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के शूट में आपके लिए एक ऐसी धांसू ट्रिक लेकर आऊँ जिसकी मदद से आप डेली वॉच टाइम को इंक्रीज करेंगे, 100 घंटे, 200 घंटे, 300 घंटे, जैसा आप काम करेंगे वैसा आप वॉच टाइम को इंक्रीज करेंगे। तो कैसे अगर आपके पास भी कोई पीसी लैपटॉप नहीं है, आपके पास भी कोई पैसे नहीं कि हम पैसे से वॉच टाइम को कंप्लीट करा लें, तो कैसे आज के शूट को आपको स्टेप बाय स्टेप एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपका वॉच टाइम कंप्लीट करा करके देने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो आपको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल उसको ऑल पर सिलेक्ट कर देना, क्योंकि आपको पता है YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर मिलते रहते, छोटे छोटे क्रिएटर की हेल्प भी होती रहती है। गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पर ले चलता हूं, और यहां पर मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूं कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको अपना वॉच टाइम को कंप्लीट करना। तो गाइस आप यहाँ पर लाइव देख पा रहे कि हमने वॉइस को ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ट्रिक का यूज करना है। सबसे पहले ट्रिक ये बता देता है कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको बीपीएन का यूज करना है। बीपीएन यहाँ पर आपको सर्च करना है, बीपीएन मास्टर। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको कोई भी बीपीएन को डाउनलोड कर लेना है, जैसे बीपीएन मास्टर यहाँ पर कोई भी हो जाता है, सिक्योर बीपीएन और सेफर इंटरनेट, इसको हमको डाउनलोड कर लेना। कम एमबी का है और यहाँ पर यूजर्स भी इसके ज्यादा है, तो इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लेना। बीपीएन में क्यों यूज करने को बता रहा हूँ, क्योंकि आपका वॉच टाइम डिक्रीज ना हो। यार अगर मान लीजिए कि आपने रात भर मेहनत की या कितने भी टाइम पर मेहनत की, अपने वॉच टाइम को इंक्रीज किया, लेकिन वो वॉच टाइम बाद में जाकर के डिक्रीज हो जाए तो यार कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको बीपीएन को डाउनलोड करना। बीपीएन को डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना। गाइस जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे कि मैंने ओपन कर लिया। अब ओपन करेंगे आपके अंदर यहाँ पर एक्सेप्ट, जो भी परमिशन मांगता है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना। अब गाइस एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ आपको इसको प्रो वाले को नहीं लेना, सिर्फ ऐड वाले को लेना। प्रो वाला लेंगे तो यार आपको यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, तो यहाँ पर आपको ऐड वाला लेना, प्रो वाला नहीं लेना। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं ये कनेक्टेड हो चुका, और यहाँ पर स्पीड भी दिखा रहा है, सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। तो सिंपली हमको चलना है बैक। अब बैक जाने के बाद अब काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बैक जाने के बाद गाइस आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर आपको कोई काम ना हो। जैसे गाइस रात में आप सो जाते हैं, अब रात में सो जाते हैं तो हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है। रात बहुत ही बड़ी होती है, 12 से 13 घंटे की होती है। अब यहाँ पर 12 से 13 घंटे की होती है, इससे ज्यादा आपको वॉच टाइम मिलेगा, यानी कि पूरी रात का वॉच टाइम आपको फ्री में मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करना। YouTube को ओपन करने के बाद गाइस आपको एक सिम लेनी है BI की, जिससे आपका इंटरनेट भी बचे। BI की सिम लेनी है। अब BI में आपको ऐसा करना है, जो प्लान है वो 200-250 वाला करना है। अब 250 वाला प्लान करेंगे जिसमें आपको 12 बजे से 6 बजे तक फ्री इंटरनेट मिलेगा, और वीकली वाला भी होगा। हो सके तो आपको न्यू ले लेना, न्यू आपको सस्ता पड़ जाएगा अगर आपके पास है तो। आपको थोड़ा महंगा रिचार्ज करा लेना जिससे आपको नाइट फ्री डाटा मिले। अब नाइट फ्री डाटा मिलेगा तो आपका फायदा ज़्यादा होगा, जिससे आपका दिन का वो डाटा सारा का सारा बच जाएगा।
अब मान लीजिए कि हमने रात के शाम हम सोते वक्त यहाँ पर हमने एक छोटा सा काम करना है, करने के गए यहाँ पर हमको कोई भी वीडियो को प्ले कर लेना, जैसे ये रही वीडियो, इस वीडियो को हमने प्ले कर लिया, और यहाँ पर जितना ट्राई हो सके आपको लॉन्ग वीडियो को लेना है, जितना हो सके जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की उस वीडियो को लेना जिससे आपका वॉच टाइम ज़्यादा आए। अब गाइस यहाँ पर आपको इस ऐड को स्किप करना, अब गाइस यहाँ पर वीडियो तो हमारे चल चुकी है, वीडियो चल चुकी है, आपको यहाँ पर सेटिंग आइकन पर क्लिक करना। सेटिंग आइकन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको इसकी क्वालिटी को लो करना है जिससे आपका इंटरनेट कम खत्म हो, तो क्वालिटी को हमको इसको 44 कर देना। अब गाइस क्वालिटी को हमने 144 कर दिया, 44 करने के बाद गाइस यहाँ पर हमको मिलता है लूप वीडियो, तो लूप वीडियो यहाँ पर ऑफ है, इसको यहाँ से ऑन कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यहाँ पर फिर से सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद में प्ले बैक स्पीड आपको मिल जाएगी, इसको नॉर्मल हटा करके 0.25x कर देना। तो गाइस इतना सा काम करना और फोन को लगा देना चार्जिंग पे या साइड में रख देना, चार्जिंग पे रात में लगा देना जिससे आपका दिन में रात भरी में चार्जिंग हो जाएगा, सुबह आपको फुल चार्ज भी मिलेगा और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। तो फोन चार्जिंग पे लगा दें, लेकिन ये काम करने से पहले आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सबसे पहले आपको ऊपर जाना, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट, आपको खुद इसी सिम का यूज करना है, किसी का वाईफाई ले लेना है। वाईफाई लेंगे तो आपका वॉच टाइम डिक्रीज हो सकता है। वाईफाई आपको किसी का यूज नहीं करना, यहाँ पर आपको इसी फोन का इंटरनेट लेना है जो फोन में आप ये काम करना चाहते हैं। इसके बाद में गाइस आपको लोकेशन मिलेगा, जीपीएस मिलेगा, इसको यहाँ पर सभी को ऑफ करके रखना है, क्योंकि ऑफ करके रखेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब गाइस इसको ऑफ कर दिया, आपका इंटरनेट इसी फोन का है। उसके बाद में वाईफाई और सारा कुछ जो भी सिस्टम है उसको सारे के सारे जो सिस्टम है उसको ऑफ कर देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर बैक पीछे आना, पीछे आने के बाद यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन की हिस्ट्री रहते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हिस्ट्री है, इसको यहाँ से सबसे पहले क्लियर करना, सभी हिस्ट्री को क्लियर करना। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं सभी हिस्ट्री को क्लियर कर रहा हूँ, वीपीएन को चालू रहने देना, बाकी की सभी हिस्ट्री को क्लियर करना। एक बार फ़ोन को रीसेट कर लेना, यानी कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कर लेना। उसके बाद में वीपीएन को यूज़ करना है, वीपीएन यूज़ करने के बाद आपको फिर से यही ट्रिक यूज़ कर लेनी, जो लॉन्ग वीडियो उसमें आपको लूप लगा देना है, और लूप लगा करके आपको वीडियो को बहुत ही स्लो स्पीड में चला देना है, जैसा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर सेटिंग पे जाना, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर प्लेबैक स्पीड को यहाँ पर आपको कर देना है, बहुत ही स्लो कर देना, 0.25 कर देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको इस वीडियो को लूप में लगा देना है। अब लूप ऑन करने के बाद यहाँ पर क्वालिटी को लो कर देना, क्वालिटी लो करने के बाद गाइस आपको अपने फोन को 60 में रख देना, कितना फायदा होगा, सिर्फ आपको इस प्रकार से करके रख देना फोन को, फोन भी चार्ज होगा, आपको वॉच टाइम भी बढ़ेगा, और वीपीएन का आपको ध्यान रखना, नहीं तो आपका वॉच टाइम डिक्रीज हो जाएगा। आप कमेंट में कहकर जाएंगे यार आपकी कोई ट्रिक काम की नहीं हुई, वॉच टाइम हमारा डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा, आपकी लूप से, लूप का बात बताते हैं कि लूप से क्या होगा, हमारी वीडियो जैसी पूरी होगी, पूरी एंड तक होगी, फिर से यही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, फिर से होगी, फिर से यही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो डेली आपको एक मेल से नहीं करना, और मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, डेली आपको एक मेल से नहीं करना, जैसे ये मेल है और इससे मैंने आज रात को कर लिया, उसके बाद में गाइस हमको दूसरी मेल लॉगिन करनी है। जैसे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि मैं दूसरी मेल को लॉगिन कर रहा हूँ, बहुत सारी मेल आपको बना लेनी है, आप गाइस दूसरी मेल को लॉगिन करनी है, और यहाँ पर न्यू मेल पर आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। न्यू मेल पर करेंगे तो यार आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको पुरानी मेल पर ही करना, और आपको धीरे धीरे इनको ओल्ड करना, क्योंकि और ये जो मेल है वो आपको डिलीट भी नहीं करना, ये सारी की सारी मेलें आपके फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए, जिससे यूट्यूब को ये ना लगे कि कोई नई मेल बन रही है, वॉच टाइम कम्प्लीट हो रहा है, फिर से मेल डिलीट हो रही है। तो आपको इस जितनी भी मेल आप यूज़ करें, ये सारी की सारी आपके फ़ोन में लॉगिन हमेशा हमेशा के लिए रहें, जब तक आपका चल मोनेटाइज ना हो जाए तब तक ही आपको लॉगिन रखनी है, जिससे आपका वॉच टाइम डिक्रीज ना हो। अब गाइस यहाँ पर कोई भी वीडियो लेना है, फिर से आपको दूसरी रात में ये काम करना, तीसरी रात में ये करना, जिससे आपको वॉच टाइम जो है वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज होगा, और गाइस देखते ही देखते आपका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो धीरे धीरे से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यही ट्रिक है जो अपने फोन से फ्री में वॉच टाइम को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे तो पैसे से भी आप वॉच टाइम को खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तो सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप ये काम कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर वाला तो आपको जल्दी करके दे देगा, 1 से 2 दिन में आपका वॉच टाइम कंप्लीट कर देगा, लेकिन आपके पास पीसी लैपटॉप नहीं है तो यार आप क्या करेंगे, आप अपने फोन से ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो गाइस फोन के लिए यही ट्रिक बेस्ट है, आप इससे अपने वॉच टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस अगर आज की वीडियो आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रही हो, पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करके जान, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जान। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।